Hey guys, welcome back to my channel. आज हम आए थे भरद्वाज पार्क, हमारे साथ मेरा दोस्त भी आया अजय, हम दो लोग आए हैं और वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे। अभी आपको पूरा अंदर घुमाएंगे, अभी मैं खड़ा हूँ गाड़ी पार्किंग में, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ पार्क हैं और इसके अंदर रात का व्यू बहुत ही बढ़िया आता है। रही बात इसके लोकेशन की, ये पड़ता है प्रयाग स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, बालसन चौराहे पे, एकदम जस्ट चौराहे पे है। चलिए आपको अंदर लिवा चलते हैं। ये मैं टिकट ले चुका हूँ, इसमें लिखा हुआ है भरद्वाज पार्क नगर निगम प्रयागराज, दोनों टिकट 10-10 रुपये के हैं। चलिए आपको अंदर लिवा चलते हैं। चल रहे हैं अंदर अंकल, दो टिकट, एक वो मैं दो। जैसे ही आप गेट के अंदर एंट्री लेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया, सीढ़ी के ऊपर से पानी आ रहा है और लाइट गिर रही है। ये पार्क जो है थोड़ा ऊंचाई पे बनाया गया है, इस पर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। जो लोग सीढ़ी से आना चाहें वो तो सीढ़ी से आ सकते हैं, और जो लोग वैसे आना चाहें चल के, तो ये उनके लिए बनाया गया है पूरा रास्ता चल के आने के लिए। ये है पार्क में ये बनाया गया है शावर, अभी चल नहीं रहा है। बीच में ये देख सकते हैं, ये चल रहा था, अभी बंद कर दिए हैं, पानी काफ़ी ऊपर आ गया हमको लगता है इसको चलाने से। ये पार्क के एकदम बीच में बनाया गया है, अभी तो इसमें पानी नहीं है। पार्क के अंदर देख सकते हैं आप लोग, ओपन जिम बनाया गया है, काफ़ी लोग उधर वो वर्कआउट भी कर रहे हैं। ये पार्क जो है प्रयागराज नगर निगम में आता है, नगर निगम ने लगभग हर पार्क में ओपन जिम बनाया है, जो कि प्रयागराज वासियों के लिए बहुत ही अच्छा है। लोग आते हैं अपना वर्कआउट करते हैं, देख सकते हैं छोटा बच्चा भी वर्कआउट कर रहा है। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ पार्क के बहुत ही बढ़िया जगह पे, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं, ये छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई गई हैं और इस पर नाम भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये, और सारी क्यारियों के ऊपर नाम लिखा हुआ है। और ये जो है किनारे किनारे लगाया गया है और छोटा सा इसके बीच में बनाया गया, ये आप देख सकते हैं पानी गिर रहा है, आपको दिखाते हैं फिर से, आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया पानी गिर रहा है और पूरा पत्थर से बनाया गया है आर्टिफिशियल। नीचे से पाइप भी ऊपर पानी गिर रहा है, वही पानी नीचे आ रहा है और फिर नीचे का पानी खींच के मोटर ऊपर ले जा रही है। इसमें देख सकते हैं साबुन डाला गया है, उसका झाग नीचे पूरा इकट्ठा हुआ है और यहाँ पे लोग आ रहे हैं फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। अभी आप ये जो देख रहे हैं बैरिकेडिंग पूरा किया गया है, रेलिंग बनाई है पूरी, ये देखने में आपको लग रहा होगा कि ये लकड़ी से बनाया गया है, मगर ये सीमेंट से बनाया गया, उसको पेंट किया गया है पूरा, ये बहुत ही ठोस है, ये उखड़ेगा नहीं, बहुत ही मजबूत है। और इसी के बैठने का भी बनाया गया है सीमेंट का, और देखने में एकदम लकड़ी ऐसा लगता है। पार्क के अंदर ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनाया गया है बच्चों को खेलने के लिए, बच्चे ऊपर से चढ़ रहे हैं और नीचे बार बार आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना है, कितना बढ़िया बनाया गया है, ये बच्चे बार बार उधर से ऊपर दौड़ के आ रहे हैं और अगर नीचे सरक रहे हैं फोटो। अभी आप ये देखिए दीवार पे कितनी बढ़िया पेंटिंग की गई है, ये पेंटिंग बच्चों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इधर बच्चों का ये खेलने के लिए जगह बनाया गया, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बच्चों के खेलने की जगह पूरा बनाया गया है, इसलिए ये पेंटिंग इधर से किया गया है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं पार्क में दीवार पे ये 3D प्रिंटिंग की गई है पूरा, और ये हमको लगता है चिपकाया गया है, आपको देख सकते हैं इस साइड से दिख रहा होगा, ये बाहर से पूरा बना के लाया गया, दीवार पे ऐसे चिपका दिया गया है, पेंटिंग तो नहीं है, इसको कहीं और से पेंट करके लाया गया है बना के। एक ये है, एक ही नहीं है, बहुत सारी है, आपको दिखाते हैं अभी। ये पूरा दीवार बहुत बढ़िया पेंट किया गया है
आपको दिख रहा होगा, ये बच्चे अपना ये गुरुकुल वाला पूरा दिखाया गया है, कैसे जो शिक्षक थे वो ज्ञान दे रहे हैं, उधर ये बच्चे पूरा पढ़ रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, यानी कि लोग जंगल में पहले अध्ययन करते थे वही पूरा दिखाया गया है। भरद्वाज ऋषि जो थे उन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को ज्ञान दिए थे। अभी आप देख सकते हैं वो पूरा दृश्य जो है 3D में इस दीवार पे बनाया गया है, आप देख सकते हैं पूरा ये शिक्षा दे रहे हैं जंगल में हमारे प्रभु राम सीता और लक्ष्मण जी को। पार्क में घूमते घूमते अभी मैं पहुंच आया हूं, तो दिखाते हैं ये हमारे प्रभु शंकर जी, पूरा इनके पूरा पर्वत बनाया गया है, पीछे आप देख सकते हैं पर्वत बनाया गया है और उनके जो है जो सवारी है नंदी, और पूरा बहुत ही बढ़िया दृश्य बनाया गया है, आप देख सकते हैं ये भरद्वाज पार्क में ही है। ये है पार्क का नाइट व्यू दोस्तों, इसी व्यू के लिए मैं आया था यहाँ पे रात में, क्योंकि ये पार्क जितना दिन में अच्छा लगता है उससे कहीं ज़्यादा रात में अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है पूरा पार्क, पूरे पार्क में लाइट लगाई गई है और ये पार्क बहुत ही बढ़िया लगता है रात में। अभी हम आपको दिखाएंगे इसको, जो गेट के पास जो सीढ़ी थी उससे पानी गिर रहा था वहाँ पर लाइट लगी थी जो बहुत बढ़िया दिखता है आपको पानी। आपने शुरू में देखा था कि मैं सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के पार्क में आया था, अभी आपको दिखाते हैं ऊपर से ये रोड कितनी बढ़िया दिख रही है। ये पूरा आपको जो दिख रहा है ये सामने, यहाँ पे चौराहा है, इस चौराहे का नाम है बालसिंह चौराहा, उसी के जस्ट ये किनारे बना हुआ है भरद्वाज पार्क, आप लोग तो एंट्री के समय देखे होंगे। अभी देखिए कितनी बढ़िया लाइट दिख रही है रोड पर आपको। अभी मैं खड़ा हूँ प्रयागराज के भरद्वाज पार्क में, पार्क के बाहर आ गया हूँ, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए पार्क के बाहर ही महर्षि भरद्वाज का स्टैचू बनाया गया है, बहुत विशाल बनाया गया है। कहा जाता है कि प्रयागराज के प्रथम ज्ञात पुरुष जो थे यही थे, ये जो है महर्षि भरद्वाज का स्टैचू जो है उसी के नीचे, ये आप देख सकते हैं ये सिल्वर कलर में पूरा प्रिंटिंग्स है, ये इनके चारों तरफ जो है ऐसी प्रिंटिंग्स हैं, आपको दिखाते हैं। अभी आप लोग देख चुके हैं पूरा भरद्वाज पार्क कैसा लगा वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,